जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड में आप सबका स्वागत है। ईएससी सेंटर बेंगलोर की दोस्तों आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 12 मई को क्लोज हो चुके हैं। अब अभ्यर्थी जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट कब तक रिलीज की जाएंगी इसके बारे में यहाँ पे जानना चाहते हैं, तो इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईएससी सेंटर के एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड कब तक रिलीज किए जाएंगे। एक आपका जो मोस्टली सवाल है कि सर एडमिट कार्ड क्या परसेंटेज बेस पे आएंगे, इसके लिए आपको एक अलग से प्रॉपर वीडियो जो है दोस्तों इस चैनल पे आ जाएगी। अभी हम बात करेंगे एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों जो एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड है वो आपका जैसे ही क्लोजिंग डेट स्टार्ट हो जाती है आपकी, उसके बाद में आपकी दोस्तों थोड़े ही दिन बाद जो है आपकी स्क्रूटनी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। स्क्रूटनी प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होती है तो उसके बाद आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग और एग्जाम के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे ईएससी अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो आप भी अपना जो है दोस्तों जो भी है अपनी तैयारी वगैरह जो है करना स्टार्ट कर दो। हालांकि हमने आपको जो है एक वीडियो में भी बताया था या फिर टेलीग्राम पे हमने अपडेट किया था कि जो ईएससी सेंटर जो बेंगलोर है उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा या नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा कि प्रॉपर आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि भाई आपका यहाँ यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म गया है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका पहुंचा या नहीं पहुंचा है, तो उसकी वीडियो आपको चैनल पे जरूर दोस्तों देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपके जो परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा वो मैं आपको जल्दी वीडियो जो है दे दूंगा। अभी बात करते हैं दोस्तों ईएससी सेंटर जो बेंगलोर के अंदर वैकेंसी निकल के आई है 236 पदों पे, उसका एग्जाम कब होगा, क्योंकि मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज है ना दोस्तों वो आपकी ईएससी के अंदर एग्जाम के अंदर जो है अपना सिलेक्शन लेना, रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब एडमिट कार्ड आता है तो मतलब जो है इस प्रकार के कमेंट आते हैं कि सर हमने आपको बताया नहीं, हमें जो है पता नहीं था एग्जाम कब होगा। तो सबसे पहली चीज दोस्तों एक चीज नोट कर लीजिएगा आप जितने भी कैंडिडेट हैं, ईएससी कभी भी आपका एग्जाम का कोई भी नोटिस एडमिट कार्ड या एग्जाम डेट के रिगार्डिंग नहीं निकालेगा। पहली चीज आपके मन में ये सवाल हो रहा, अगर दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहोगे तो मैं ईएससी को और दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से आपको सब कुछ अपडेट देने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं हमेशा देता रहता हूँ तो आपको जो है उसका पता होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सबसे पहले सुन लीजिए कि एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब तक रिलीज कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपका कब तक आ जाएगा सबसे पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो वो चीजें जो है दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कब होता है और रिजेक्ट कब होता है। तो यही वीडियो प्रॉपर दोस्तों चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप चैनल पे जाकर जो है उसको देख सकते हैं। हालांकि मैं इसका कोशिश करूं कि जितने भी ईएससी के वीडियो आए वो आपकी एक प्लेलिस्ट ईएससी सेंटर के रिगार्डिंग बना दूं, क्योंकि 2022 का मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से एक प्लेलिस्ट बना दिया था जिससे जिनको भी कोई दिक्कत आती थी वो प्लेलिस्ट के थ्रू जो है देख लेते थे, लेकिन अब की बार भी मैं ऐसा जो है कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जितने भी कैंडिडेट हैं वो आपकी प्रिपरेशन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल में जो ईएससी सेंटर के 2022 के एमटीएस चौकीदार फायरमैन ड्राइवर इनके जो है दोस्तों कट ऑफ को देख रहा हूँ, तो मैं हालांकि कट ऑफ के बारे में भी एग्जाम में कितनी कट ऑफ जाती है वो भी मैं आपको जो है दोस्तों इस वीडियो में जो इस चैनल पे दूंगा। बहुत सारी वीडियो दोस्तों आने वाली हैं, बट आप हमारे साथ जरूर जुड़ के रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अभी यार एक छोटा सा एक एरर आ गया था, चलो कोई ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो दोस्तों आपका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एग्जाम दोस्तों आपका जैसे ही क्लोजिंग डेट हो जाती है उसके लगभग भाई ईएससी बेंगलोर क्या कर रहा है, बहुत जल्द एग्जाम करवाता है पहली चीज। दूसरी चीज वो स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट इसमें लेट कर देता है, इसके अलावा वो रिजल्ट में तो बहुत ज्यादा लेट करता है, और ज्वाइनिंग लेटर और इनके बारे में तो दोस्तों कहना ही क्या है, इतनी ज्यादा लेट करता है कि मतलब बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी जो कि
400 पदों पे वैकेंसी आई थी उनके अभी लेटर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दोस्तों एक पेशेंट आपके अंदर होना चाहिए, आपको सबर तो करना पड़ेगा। बट अगर एएससी बेंगलोर में आप दोस्तों जॉब चाहते हैं सबसे बेस्ट है, तो आपको हमें जो है प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि दोस्तों इसकी बहुत सारी जो है अपडेटेड होती हैं चीजें और पता ही नहीं चलती है कि कब क्या चीज अपडेट हुई है। तो सबसे पहली चीज आप सभी ध्यान देंगे, एग्जाम दोस्तों आपका लगभग 12 मई के बाद 45 दिन के भीतर भीतर आपका हो जाता है। तो एडमिट कार्ड की बात करूं दोस्तों लगभग, तो आपका एडमिट कार्ड फुल ऑफ चांस है कि दोस्तों जून का थर्ड वीक या सेकंड वीक तक आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एडमिट कार्ड आएंगे कैसे वो भी बता देता हूँ। एडमिट कार्ड आपके दोस्तों जो रजिस्टर्ड जीमेल आईडी है, जो आपने जीमेल आईडी दी है उस पे आपके एडमिट कार्ड सभी के जारी किए जाएंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको एक एसएमएस आता है सबसे पहले कि आपका जो है आप शॉर्ट लिस्टेज कर लिए गए हैं और आप अपना एडमिट कार्ड अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे चेक कीजिएगा। तो वहां से आप जाकर जैसे ही चेक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसमें आपका अपना एडमिट कार्ड होगा। ये कैसा फॉर्मेट होता है तो मैं आपको शायद जो है यहाँ पे जो लगा दूंगा, इस प्रकार का एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपका दोस्तों रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पे एडमिट कार्ड भेजे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी एग्जाम डेट है वो दोस्तों जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज किए जाते हैं या उसके जो है दोस्तों 5 या 10 दिन का समय होता है, कई बार तो ऐसा करते हैं कि दोस्तों लगभग 10 या 15 दिन का समय दे देते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट को क्या करते हैं कि भाई, और इसमें ये भी होता है कि भाई जैसे मान लो आपकी ट्रेड है लेबर, तो लेबर की बहुत बड़ी पोस्ट है तो इसका एक अलग से एग्जाम डेट रख देंगे, और इसके अलावा जो पोस्टें हैं उन सबको इंक्लूड कर लेंगे, एक साथ इंक्लूड पकड़ेंगे और उनका सबका एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवा देंगे। तो यही चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है कि दोस्तों कब क्या चीजें होंगी। ये चीजें अगर आपको हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली दोस्तों जो है इसका फायदा होगा और जॉब आप दोस्तों 2023 के एंड तक दोस्तों जरूर ले लेंगे, क्योंकि यार 2024 भी लग सकता है, ऐसा भी है। क्योंकि मैं आपको इसी चीज के बारे में पहले भी कहा है, एएससी की जो प्रोसेस है वो एग्जाम कराने में दोस्तों बहुत जो है फास्ट है, एडमिट कार्ड रिलीज करने में बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन जब इनके रिजल्ट जारी करने की बात आएगी या फिर इसके इनके यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर जारी करने की बात आएगी या फिर ज्वाइनिंग देने की बात आएगी, तब ये लोग बहुत ज्यादा स्लो चलते हैं। लगभग 1 साल 1.5 साल तक भी भाई ये खींचे चले जाते हैं, है ना। तो इसके लिए आप जितने भी मेरे भाई हैं वो आपको सबर तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पेपर में क्या आता है, पेपर के रिव्यू अगर आपको देखेंगे तो आप हमारे वीडियो जो है दोस्तों मिल जाएंगे चैनल पे, और आप सर्च भी करेंगे तो दोस्तों ये रिव्यू जो है आपको एएससी सेंटर बेंगलोर के रिगार्डिंग हमारे ही चैनल पे आते हैं। रिव्यू जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, कल आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ आर्मी सीएमई पुणे, दोस्तों आप हर एक एग्जाम रिव्यू को देखा करो, क्योंकि एग्जाम वही लेवल होते हैं ग्रुप सी के, और वहीं से आप पकड़ कर पाओगे कि क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, कहाँ मुझे जो है किस टॉपिक पे काम करना है। वो चीजें अगर आप नहीं करोगे दोस्तों तब आपका सिलेक्शन होने के कम चांस बनते हैं। बट आप प्रॉपर जैसे मैं एग्जाम रिव्यू करता हूँ, आप सभी मुझे शेयर भी किया करें, 7737250203 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर रहते हैं, तो उनपे अगर आप काम करोगे दोस्तों तो आप डेफिनेटली 2023 या 24 में जॉब जरूर ले लोगे। ये आपको जो है मैं दोस्तों लिख के दे सकता हूँ प्रॉपर, लेकिन फॉलो करना पड़ता है। कोई भी आप एग्जाम रिव्यू होता है उसको छोड़ो मत, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। कल आपने देखा क्या पेपर का लेवल, भाई मॉडरेट लेवल का पेपर था, आपने तो सोच लिया कि आर्मी सीएमई पुणे का था, लेकिन आपके लिए भी वो महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी सी एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।